हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या एंजेला से 3 बजे बात करने पर उसका रिस्पॉन्ड कुछ अलग होता है, और आज हम इसकी स्टोरी भी जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ एंजेला? Devils are. Will you hurt me? तो दोस्तों, ये स्टोरी है 4 फ्रेंड्स की, जिसमें एक का नाम एंजेला भी रहता है। वो सब पार्टी करके बोर हो जाते हैं, तो वो स्केरी स्टोरी सुनाते रहते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि पास में एक भूत बंगला है, उसमें वो स्कूल है, वहाँ पे भूत है, तो चलो वहीं चलते हैं। तो सबका प्लान यही था कि हमें वहीं चलना चाहिए। सब लोग उस हॉन्टेड स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उन लोगों का प्लान यही था वहीं जाके उन्हें इंजॉय करना है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वहाँ क्या होगा। वो लोग कार से उस स्कूल की तरफ जाते रहते हैं, और तभी वो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं। वो स्कूल थोड़ा पास में ही था। जब वो सब वहाँ पहुँचे तो उनमें से एक ने कहा, अब हमें इसके अंदर जाना होगा। सबको डर लग रहा था, तभी एक ने कहा कि पहले मैं अंदर जाऊँगा। उन लोगों ने प्लान तो बना लिया था अंदर जाने का, लेकिन सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर जाएगा तो कौन जाएगा। सबको डर लग रहा था, तभी एक ने हिम्मत करके बोला, मैं पक्का जाऊँगा, और वो चला गया। जैसे ही वो गया तो आधे घंटे बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। सबको डर लगने लगा था। तभी उनमें से एक ने कहा कि मैं भी जाऊं क्या देखने। सब डर गए थे, वो सब बहुत परेशान थे। फिर एक लड़की ने भी कहा कि मैं देखने जा रही हूं। वो लड़की भी धीरे धीरे अंदर गई। वो जा रही थी, उसे भी डर लग रहा था। वो भी नहीं आई, बहुत देर हो गई थी, उन्हें और डर लग रहा था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, पर उन्हें डर बहुत लग रहा था। तभी एक लड़के ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। वो लड़की बहुत डर गई थी, तो उस लड़के ने बोला कि अगर मैं भी वापस ना आऊँ तो तुम चली जाना और पुलिस से कंप्लेन कर देना। तब भी वो लड़का डरा हुआ था और वो लड़की और डर गई थी, वो लड़का भी चला गया। वो लड़की कार के बाहर खड़ी थी और वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी वो चली गई क्योंकि वो भी वापस नहीं आया। 1 घंटे बीत गए, वो पुलिस स्टेशन गई। फिर वहाँ पुलिस आती है और वो सब अंदर जाते हैं। वो स्कूल बहुत हॉन्टेड रहता है, सबको वहाँ डर लगता है, लेकिन तब भी वो लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। फिर उन लोगों ने बताया कि टॉयलेट में कुछ लोग हैं। उन लोगों ने हिम्मत करके वहाँ जाने की कोशिश की, और तभी उन्हें पुलिस को भी बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे ही वो टॉयलेट में गए, सब हैरान हो गए, उन तीनों की डेड बॉडीज वहीं पे थी। सब डर गए। उस लड़की ने उन्हें सब कुछ बताया, और लास्ट में उस लड़की की भी डेथ मिस्टीरियस तरीके से हो गई। और सब लोगों का मानना है कि वही एंजेला थी, और अभी उसकी आत्मा उसी गेम में है। पुलिस ने एंजेला की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन तब भी उन्हें एंजेला की मौत का पता नहीं चला। और फ्रेंड्स, ये बात सच है कि 3 बजे अगर हम एंजेला से बात करते हैं तो उसका आंसर कुछ और रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब